करूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि जो हमारे में अपने मुस्लिम भाई रहते हैं तो उनसे गुजारिश करूंगी कि हम लोग अल्लाह से डरते हैं, हमें किसी डरने की जरूरत नहीं, और जो ये सब भाते फैलाई जा रही है उनसे दूर रहें। ना कोई आपकी गोश्त की दुकानें बंद हो रही है, ना आपका कोई गोश्त का काम बंद हो रहा है, ना आपकी कोई होटलें बंद हो रही है। जो अतिक्रमण है वो तो हमारा संविधान भी कहता है कि उसको हटाया जाए, तो उसी पे काम कर रहे हैं। बाबा की तरफ से ये गारंटी हम आपको देते हैं कि आपके साथ कोई दोगलापन नहीं होगा। बाल मुकुंद आचार के बगल में खड़ी एक मुस्लिम महिला कहती हैं, गलत फहमियों से दूर रहें, हम अल्लाह के बंदे हैं और हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह से नॉनवेज बेचने को बंद नहीं किया जा रहा, आपके साथ कोई दोगलापन नहीं किया जा रहा, इस चीज की वो गारंटी भी दे रही है। आखिर क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। इस वीडियो में मैं हूँ आकांक्षा और आप सभी देख रहे हैं खबरीलाल टीवी। राजस्थान में भी जल्द ही बीजेपी जीती है और नए नए विधायक बने हैं बाल मुकुंद आचार्य। आपने इनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा जो कि खूब चर्चा में था। आपने देखा होगा कि इस वीडियो में बाल मुकुंद आचार्य सड़क पर नॉनवेज बेच रहे ठेले वालों से लाइसेंस मांगते हैं, उनके ठेले हटवाते हैं और दुकान भी बंद करवा देते हैं। इतना ही नहीं, संबंधित अधिकारियों को फोन का स्पीकर ऑन कर हड़काते भी हैं। लेकिन माहौल बिगड़ते देख आचार्य बाल मुकुंद बहुत जल्दी पलट गए और अब तो उनके साथ एक मुस्लिम महिला भी खड़ी दिखाई दे रही है जो इस बात की गारंटी दे रही है और कह रही है कि अब कोई दोगलापन नहीं होगा, हम सभी अल्लाह के बंदे हैं, उनसे डरते हैं लेकिन और किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह तो गलत फहमी है जो फैलाई जा रही थी, आप सभी इससे दूर रहें। वह मुस्लिम महिला आगे कहती है, आप सभी की कोई भी नॉनवेज की होटल दुकान बंद नहीं करवाया जा रहा। बाल मुकुंद आचार्य तो अतिक्रमण को हटा रहे थे और यह तो हमारा संविधान भी करता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या आचार्य बाल मुकुंद अपने बारे में खुद नहीं बोल पा रहे और वो ये सब एक महिला से क्यों बुलवा रहे हैं, जबकि बाल मुकुंद को तो आप सभी जानते हैं, वो अपनी सफाई खुद भी दे सकते थे। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने किए पे शर्मिंदा है। खैर जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी देख रहे खबरीलाल, मैं हूं आकांक्षा, धन्यवाद।